ट्विन टावर की जमीन पर क्या होगा नया निर्माण? क्या सरकार बनाने जा रही भव्य राम लला का मंदिर? कंपनी ने किया नया ऐलान। अभी हाल ही में देश ने एक ऐसा नजारा देखा जिसे कई पीढ़ियों ने पहली बार देखा था। ये नजारा देखा गया 28 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 93A में, जब एक निजी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने जो दो टावर बनाए थे जिन्हें ट्विन टावर कहा जाता है, जिसे सरकार और कोर्ट के निर्देश पर 28 अगस्त 2022 को 3700 किलो डायनामाइट लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये नजारा ऐसा था जिसे देखकर अच्छे अच्छों के होश फाकता हो गए। दोपहर के 2:30 बजे जिस वक्त धमाका हुआ, उस समय धूल का गुबार इतना ऊपर तक उठा कि उसे कई किलोमीटर तक लोगों द्वारा देखा गया। अब एक नया मामला उठ गया है कि ट्विन टावर के ध्वस्त हो जाने के बाद खाली हुई जगह पर नया निर्माण क्या होगा। कुछ लोगों का कयास है कि यहां पर यूपी सरकार रामलला का भव्य मंदिर बनवाने जा रही है, जिसमें एक शिवलिंग की भी स्थापना की जाएगी, या फिर सरकार इस जगह पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाने जा रही है। तो वहीं इन सभी कयासबाजियों के बीच में सुपरटेक कंपनी ने भी अपनी नई घोषणा कर दी है, जिसे लेकर उनका एक बड़ा दावा। अब चलिए आपको इस खबर के अंदर ले चलते हैं और बताते हैं कि इस बार कंपनी क्या नया लाने वाली है और क्यों उसे यकीन है कि उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। 28 अगस्त को ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन अब उस खाली पड़ी जमीन पर नया निर्माण क्या होने जा रहा है, ये अब चर्चा का नया विषय बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। खबर है कि यहाँ पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। इस मंदिर में रामलला और भोलेनाथ के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्थापित किया जाएगा। दूसरा कयास यह है कि बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क बनवाया जाएगा। और तीसरी तरफ सुपरटेक का कहना है कि नोएडा के जिन ट्विन टावरों को ध्वस्त किया गया वो उन्हीं के थे। अब इस जमीन का इस्तेमाल रिहायशी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोबारा किया जाएगा। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी और एमराल्ड कोर्ट के घर खरीदारों से मंजूरी ली जाएगी। गुरुवार को RWUA की मीटिंग भी हुई, इसमें भी नए निर्माण को लेकर चर्चा हुई और फैसला किया गया कि ध्वस्त हुए टावरों की जगह पर राम मंदिर का निर्माण होगा। इसमें और दूसरा ऑप्शन ये था कि वहां बच्चों खेलने के लिए पार्क बनेगा। बताया गया है कि सभी सोसाइटी वालों की भी यही मर्जी है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि अभी तक सुपरटेक के एमराल्ड टावर का हैंडओवर सोसाइटी को नहीं हुआ है, यानी मालिकाना हक बिल्डर का ही है। अगर बिल्डर वहां पर किसी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे 2/3 सोसाइटी वालों की सहमति लेनी होगी। यह अलग बात है कि RWUA के लोगों का कहना है कि सोसाइटी वाले उनके साथ हैं। तो वहीं सुपरटेक के CMD आरके अरोड़ा ने कहा कि नोएडा में ट्विन टावर एपेक्स और सयान एमराल्ड कोर्ट परियोजना का हिस्सा थे। इन्हें नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूमि पर सेक्टर 93A में बनवाया गया था। कंपनी अब भूमि का इस्तेमाल करेगी। अथॉरिटी और RWUA की मंजूरी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ट्विन टावर के 95% घर खरीदारों को उनका रिफंड दे दिया गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। बाकी ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।